સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યે શ્રાવણ માસનો ભક્તિમય પ્રારંભ થયો। नाम कृष्ण कुमार शर्मा है और मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूं। मैं फिलहाल राजकोट में रेलवे में काम करता हूं। आज सावन का पहला दिन है और यहां आने की मुझे पहले से बहुत इच्छा रहती है और इसलिए मैं पहले दिन आने की कोशिश किया। मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ आए, ईश्वर का दर्शन करें, मन को शांति मिलेगी। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान भोले शंकर से, महादेव से, कि सभी लोगों को सुखी रखें और उनका घर परिवार खुशहाल रहे, अच्छा रहे, सबका व्यापार में उन्नति हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उत्तम रहे और एक बार जरूर यहाँ भगवान भोलेनाथ का शंकर का। मेरा नाम रणविजय सिंह है, मैं लखनऊ से आया हूँ। आज श्रावण मास का प्रथम दिन है और मेरा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने बाबा के चरणों में। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, विश्व का कल्याण करें। पूरे विश्व में त्रासदी आजकल हो रही है और ये ग्लोबल इफेक्ट की वजह से हो रहा है या लोगों के पेड़ों के कटान से या इस तरह के पर्यावरण को छेड़ने से हो रहा है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबका कल्याण करें। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यूपी से आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था, ट्रस्ट की व्यवस्था अच्छी है। आज श्रावण मास नो शुभारंभ थयो छे। भगवान सोमनाथ ना महामेरु प्रसाद में एना पटांगण में यज्ञशाला नी अंदर महामृत्युंजय ना जाप साथे यज्ञ शुरू करवामां आव्यो छे। यात्रिको श्रावण महीना में जे पवित्र प्रवास तीर्थ अने त्रिवेणी संगम तीर्थ ए बधा में पण लोको हजारों लाखों की संख्या में आवे छे, पवित्र स्नान करे छे अने समुद्र के जे उदधि तीर्थ तरीके ख्यातनाम छे एमां पण लोको स्नान करे छे। एम अनेक स्थळोए पोतानी भावनाओ व्यक्त करी अने श्रावण मासनी अंदर लोको पोतानो शिवजी प्रत्ये, भगवान श्री कृष्ण प्रत्ये, भगवान श्री राम प्रत्ये, એમ અનેક દેવી દેવતાઓના સ્થાનો પ્રત્યે પોતાની ભાવના વ્યક્ત કરે છે। જય સોમનાથ।